इस वीडियो में हम लिक्विड डिटर्जेंट बनाएंगे बहुत ही लो क्वालिटी का। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने वेट करके और एक लिक्विड डिटर्जेंट का फार्मूला आपको बताऊँगा। यह बहुत ही लो क्वालिटी का रहेगा, तो हम इसे देखेंगे कि यह बनने के बाद इसका कैसा क्वालिटी रहता है, यह कितना थिकनेस रहता है। आप इसी हिसाब से बना सकते हैं, समझ में आ गया? तो आप वीडियो को देखते रहिए। रॉ मटेरियल देख लीजिए। सबसे पहले हम लेंगे वाटर 90 ग्राम। यह आप लोगों के सामने मैं वेट करके बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों को यह नॉलेज होगा कि अगर हम सबसे लो क्वालिटी बनाना चाहें तो हमारा कैसा लिक्विड डिटर्जेंट बनेगा, वह थिक रहेगा कि नहीं रहेगा, गाढ़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं यह वीडियो आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। अब मैं जो भी फार्मूला आपको बताऊँगा उसे वेट करके आपके सामने बनाऊँगा, जिससे आप लोगों को भी बढ़िया से समझ में आएगा कि यह कैसा फार्मूला बन रहा है, इसका क्वालिटी क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमने 90 ग्राम ले लिया वाटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हम इसमें ऐड करेंगे मात्र 2 ग्राम। देखिए यह हम बहुत कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो थोड़ा इसे वेट करने में परेशानी हो रहा है। अगले वीडियो में हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अब आप लोगों के सामने मैं फार्मूला बनाऊंगा वेट करके, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 ग्राम ले लिया है कास्टिक सोडा। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए आप कास्टिक सोडा का जब भी यूज करें हाथों में ग्लव्स, मुंह पर मास्क जरूर लगा लें। कास्टिक सोडा को अच्छी तरह से मिलाने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे एसी डिसलरी। हम इसमें ऐड करेंगे 3 ग्राम। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 ग्राम वेट ज़्यादा बता रहा है, क्योंकि यह जो वेट मशीन है यह 2 ग्राम से कम नहीं बताता है। तो मैंने इसमें अगर 3 ग्राम ऐड किया है, अगर उससे थोड़ा सा यह बेसी होगा तो यह 4 ग्राम नहीं तो फिर यह 5 ग्राम बताएगा, समझ में आ गया? अब इसमें ऐड करेंगे एसएलएस लिक्विड। हम इसमें ऐड करेंगे 6 ग्राम। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। यह देखिए थोड़ा थोड़ा थिक हो गया है। जब हम इसमें अब साल्ट ऐड करेंगे तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब यही देखना है यह कितना ज़्यादा थिक होता है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके साल्ट ऐड करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा थिकनेस हो रहा है। देखिए यह थोड़ा थिक हो गया है, बहुत ज़्यादा यह थिक नहीं होगा, क्योंकि इसे हमने बहुत लो क्वालिटी में बनाया है। तो आप इसका प्राइस अपने हिसाब से देख सकते हैं इसका रेट, क्योंकि देखिए मैंने इसमें सभी रॉ मटेरियल आपके सामने वेट करके ऐड किया है। तो आप इस हिसाब से अपना देख सकते हैं किस रेट का पड़ेगा आप जब बनाएंगे। क्योंकि देखिए कहीं पर एसी डिसलरी 100 रुपये केजी मिलता है, कहीं वहीं 150 रुपये केजी मिलता है। तो आप अपने हिसाब से इसका 1 केजी का प्राइस देख सकते हैं। लेकिन यह देखिए अगर आप इसे बनाकर मार्केट में सेल करेंगे इस क्वालिटी का,
तो आप इसे बहुत कम प्राइस का भी सेल करेंगे तो यह बहुत ही आसानी से आपका मार्केट में सेल हो जाएगा। लेकिन देखिए, अगर आप बहुत लो क्वालिटी का बनाते हैं और उसका अगर प्राइस भी आप कम रखते हैं, तब भी उसमें जब कोई भी कस्टमर ले जाएगा, अगर उसका बढ़िया या साफ नहीं किया, उसमें झाग नहीं बना कपड़े को साफ करने में, तो यह समझ लीजिए कि वह दुकानदार के पास फिर दोबारा जाएगा और कहेगा यह बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी है। वह यह नहीं देखेगा कि उसने पैसा भी कम दिया है, लेकिन उसको पैसा नहीं दिखाई देगा, उसको यह प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो इसीलिए आप बहुत लो क्वालिटी का भी डिटर्जेंट पाउडर हो गया या लिक्विड डिटर्जेंट हो गया या कोई भी प्रोडक्ट, आप बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का मत बनाइएगा, नहीं तो आपका बिजनेस चलने से पहले ही फेल हो जाएगा। आप थोड़ा महंगा सेल करिए मार्केट में, लेकिन उसमें शिकायत नहीं आएगा। अगर कोई कस्टमर ज़्यादा पैसा देकर मार्केट से आपका कोई भी प्रोडक्ट ले जा रहा है, उसे यूज करने पर उसका शिकायत नहीं आएगा, तो वह दोबारा उसी प्रोडक्ट को फिर ले सकता है, इतना संभावना है। लेकिन अगर उसने सस्ता खरीदा है लेकिन अगर शिकायत आ गया, तो वह फिर दोबारा उसे नहीं खरीदेगा, यह नहीं वो सोचेगा कि मैंने इसका रेट भी कम दिया है। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का लिक्विड डिटर्जेंट या कोई भी प्रोडक्ट मत बनाइएगा। बनाइए इतना कि मार्केट में आपका वह चले, बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो, बहुत ज़्यादा सस्ता भी ना हो। देखिए, यह इस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो इतना यह ठीक रहेगा, इससे ज़्यादा यह ठीक नहीं होगा। अगर हम इसमें और ज़्यादा साल्ट ऐड करेंगे तो एकदम फट जाएगा तुरंत। तो आप इसी तरीके से यह सब लिक्विड डिटर्जेंट बना सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर जरूर बनाऊंगा। देखिए, मेरा हमेशा से यही उद्देश्य है कि अपने चैनल पर मैं कुछ ऐसा वीडियो अपलोड करूं जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। अगर आपके पैसा नहीं है आपके पास, तो यह समझ लीजिए बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं। तो कम से कम पूंजी लगाकर, कम से कम पैसा लगाकर आप कैसे घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यही सब मेरा उद्देश्य है कि आपको जानकारी दिया जाए। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हुआ, आपने बहुत वीडियो देखा होगा, तो बस आपको थोड़ा सा बनाकर कोई भी दिखा देगा, वह ओरिजिनल वीडियो होता है या फेक वीडियो होता है, आप वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। मैं अपने चैनल पर कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ जो फेक वीडियो हो, जिससे आपको नुकसान हो। इसीलिए मैं अपने चैनल पर पहले अपने खुद प्रोडक्ट बनाता हूँ या आपके सामने प्रैक्टिकल प्रयोग करता हूँ। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।